हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सेतु एजुकेशन। आज हम यहाँ पर वस्तुओं की गिनती के भारतीय प्रणाली को सीखेंगे। इसमें एक, दस, सौ, हजार, 10,000, इस प्रकार संख्या बढ़ती जाती है और महाअंशोहिनी तक जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक। इसके बाद है दस। दस में एक शून्य आता है। इसके बाद है सौ। सौ में दो शून्य आते हैं। अब है हजार। हजार में तीन शून्य आते हैं। इसके बाद है दस हजार। दस हजार में चार शून्य आते हैं। दस हजार। इसके बाद है लाख। लाख में पांच शून्य आते हैं। इसके बाद है दस लाख। दस लाख में छह शून्य आते हैं। दस लाख। इसके बाद है करोड़। करोड़ में सात शून्य आते हैं। इसके बाद है दस करोड़। दस करोड़ में आठ शून्य आते हैं। इसके बाद है अरब। दस करोड़ के बाद है अरब। अरब में नौ शून्य आते हैं। इसके बाद है दस अरब। दस अरब में दस शून्य आते हैं। इसके बाद आता है खरब। खरब में ग्यारह शून्य आते हैं। इसके बाद है दस खरब। दस खरब में बारह शून्य आते हैं। इसके बाद है नील। नील में तेरह शून्य होते हैं। इसके बाद है दस नील। दस नील में चौदह शून्य होते हैं। दस नील। इसके बाद पदम। पदम में पंद्रह शून्य होते हैं। इसके बाद है दस पदम। दस पदम में सोलह शून्य होते हैं। इसके बाद लिखते हैं शंख। शंख में सत्रह शून्य होते हैं। इसके बाद है दस शंख। दस शंख में अठारह शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या अंत्या। अंत्या में उन्नीस शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या महाअंत्या। महाअंत्या में 20 शून्य होते हैं। इसके बाद आती है संख्या मध्या। मध्या में 21 शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या महामध्या। महामध्या में 22 शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या पारद।
पारद में 23 शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या महापारद, महापारद में 24 शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या धून, धून में 25 शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या महाधून, महाधून में 26 शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या अंशोहिनी, अंशोहिनी में 27 शून्य होते हैं। इसके बाद है संख्या महाअंशोहिनी, इसमें 28 शून्य होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर भारतीय अंकों की गणना सीखी, जो 1 से आरंभ होकर महाअंशोहिनी तक होती है। धन्यवाद।